अगर आपसे गलती से इस वीडियो पे टच हुआ है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने मेरा थंबनेल देखने के बाद क्लिक करा है तो दोस्तों दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज की ये वीडियो, आज की ये जर्नी हमारी बहुत ही स्पेशल होने वाली है। स्पेशल क्यों होने वाली है? उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट फ्रेशर है, जिन्होंने नया नया पास आउट करा है और हॉस्पिटल की इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है स्पेशल फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाई है और इस वीडियो पे मेरी खुद बहुत मेहनत लगी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि 30 ऐसे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डिस्क्राइब करे हैं जिनको पढ़ने के बाद कोई भी हॉस्पिटल की इंटरव्यू आप चुटकियों में क्लियर कर लोगे। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि इस वीडियो में मेरी स्पेशली बहुत मेहनत लगी है। क्यों? क्योंकि स्पेशली मैं अभी जैसे मुझे 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे यही मैसेज करते थे कि हम जब भी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या कोई बड़े सेटअप में जाते हैं तो बहुत ही मतलब अलग अलग बहुत ही नए नए क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, तो जिनके हम अच्छे से आंसर नहीं कर पाते, जिनकी वजह से बस छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। इसीलिए मैंने डिसाइड करा था कि मैं एक बार खुद 2-3 हॉस्पिटल में विजिट करूँगा एज ए फ्रेशर। तो इसीलिए वीडियो बनाने में भी थोड़ी देरी होगी, क्योंकि मैं 2-3 खुद मैंने दिल्ली के काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल में विजिट करा है, अप टू 200 बेडेड जितने भी हॉस्पिटल है। तो 3 हॉस्पिटल मैंने सेलेक्ट करे थे, तीनों में मैं इंटरव्यू देके आया, तीनों में मेरे तो फिलहाल अच्छे स्कोर आए क्योंकि मैंने एज ए फ्रेशर वहाँ पे करा था। मैंने इंटरव्यू भी दे दी, मेरी इंटरव्यू भी क्लियर होगी, तो अभी मुझे वहाँ से कॉल्स भी आ रही ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन मैं तो अपनी जॉब से सेटिस्फाई हूँ, तो इसलिए मैं तो अभी फिलहाल अपना हॉस्पिटल लीव नहीं करना चाहता। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि किसी भी हॉस्पिटल का टेस्ट मैं आपको ऐसे ही क्लियर करवा दूंगा। अगर नहीं होगा तो आप मुझे बोल सकते हो कि हाँ यार आपने बोला था और मेरा टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। तो 3 हॉस्पिटल की इंटरव्यू के बाद उन तीनों का निचोड़ जो मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ, वीडियो पूरी देखने के बाद वीडियो के एंड पे मैं आपको एक रामबाण दूंगा। रामबाण से पहले हम 30 के 30 क्वेश्चन एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से वो क्वेश्चन है। तो वीडियो के साथ शुरू से एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में और भी आपके फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो उनके साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जो हर किसी का बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हम ज़्यादा जितने भी मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ हम इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डीप गए तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इतनी लंबी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने खुद इंटरव्यू दी है, मुझे पता है क्या क्या वो पूछते हैं और मैं सब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तीनों हॉस्पिटल की इंटरव्यू और टेस्ट का जो निचोड़ है वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो के साथ शुरू से एंड तक बने रहना और वीडियो के एंड पार्ट को बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि उसी में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके साथ आप बहुत ही मतलब इजीली अपनी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। लेट स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है GCS। GCS जो है बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है हर किसी हॉस्पिटल का क्वेश्चन। वो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि GCS जो है किस लिए, ग्लास्को कोमा स्केल जो है किस लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि हम कॉन्शियस लेवल को चेक करने के लिए करते हैं। GCS स्केल के साथ साथ मैं आपको 2-3 और स्केल ऐड करवा देता हूँ, जैसे ब्रेडन स्केल का वो पूछते हैं कि ब्रेडन स्केल किस लिए यूज़ करते हैं, तो प्रेशर अल्सर के लिए हम ब्रेडन स्केल यूज़ करते हैं, पेन के लिए हम वॉन्ग बेकर स्केल जो है वो यूज़ करते हैं, तो ऐसे 3-4 स्केल वो आपसे पूछ सकते हैं। DVT के लिए हम कैप्रिनी स्केल को यूज़ करते हैं, फिलबाइटिस के लिए हम VIP स्कोर को यूज़ करते हैं। तो ये कुछ 4-5 स्केल होते हैं जो हर हॉस्पिटल के फेवरेट होते हैं और वो पूछते ही पूछते हैं। नेक्स्ट है डायूरेटिक। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि जो इंजेक्शन फ्रोसेमाइड है या इंजेक्शन लेसिक्स है या टॉर्सेमाइड है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो डायूरेटिक होता है। 3-4 ऑप्शन आप में दे देते हैं कि डायूरेटिक है, एंटी हाइपरटेंसिव है या एंटी अरिथमिक है या ऐसा कुछ दे देंगे, तो उसमें से आपको चूज़ करना होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो डायूरेटिक होता है। तो नेक्स्ट एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर वो पूछते हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को आपने पढ़ना है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में से वो कोई भी आपसे मतलब 1-2 क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं। तो एज ए फ्रेशर वो आपसे बहुत ज़्यादा मतलब डीप नहीं जाते, जस्ट ऐसे पूछ लेंगे। तो आप ICU में काम कर रहे हो तो पेशेंट को ब्लड देना है, तो ब्लड आपका जब ब्लड आता है उसको क्रॉस चेक करना होता है, किसने करना है, कैसे करना है, क्या क्या आपको देखना है। ब्लड देते टाइम आपको जो वाइटल साइन है वो चेक करने होते हैं, कितने इंटरवल पे आपको वाइटल साइन चेक करने हैं ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन, तो वो आपको पता होना चाहिए। सक्शनिंग के बारे में पूछते हैं कि एज ए स्टाफ नर्स अगर आप वेंटिलेटर वाला पेशेंट देख रहे हो, एयरवे को क्लियर करने के लिए आप क्या क्या करते हो, तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन दिए होते हैं। आप सक्शन करते हो या आप उनको साइड दिलाते हो या आप उनको स्पाइन पोजीशन देते हो या आपको टेंडलबर्ग पोजीशन देते हो, तो उसमें से आपको पता होना चाहिए कि एयरवे को क्लियर करने के लिए एक तो हम उसको फॉलर पोजीशन देते हैं, ठीक है, और दूसरा आप उसकी सक्शनिंग करते हो। फिर सक्शनिंग का भी पूछ सकते हैं स्पेशली कि जो सक्शनिंग है उसका टाइम इंटरवल क्या है, कितने टाइम के लिए करते हो, उसके बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉप फैक्टर फार्मूला।
ये हर हॉस्पिटल का फेवरेट क्वेश्चन है, कहीं भी आप चले जाओ, कहीं भी आप चले जाओ, चाहे आप गवर्नमेंट के लिए जाओ, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ, कहीं भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ, हर हॉस्पिटल का फेवरेट क्वेश्चन होता है ड्रॉप फैक्टर फॉर्मूला। आपको एक अमाउंट दे देंगे, जैसे 1000 ml आप फ्लूइड है, उसको आपने 6 hours में पेशेंट को देना है, तो कितने ड्रॉप पर मिनट पे आप दोगे, तो उसमें उसकी कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल होती है। इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ, फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बता देता हूँ, ये वीडियो में हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जब भी ड्रॉप फैक्टर वाला आता है तो कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सबसे पहले जो आपको उन्होंने टोटल अमाउंट दिया हुआ, जैसे 1000 ml दिया है, तो आपको पहले 1000, अगर आपके आप फ़ोन किसी भी आप चले जाओ तो फ़ोन तो आराम से आप यूज़ कर सकते हो, जो टोटल अमाउंट दिया उसको आपने लिखना है 1000, और उसके आगे उन्होंने दिया होता है ड्रॉप फैक्टर, उन्होंने दिया होता है या 20, 16 या 10, जितना भी उन्होंने ड्रॉप फैक्टर दिया होता है तो वो आपको लिखना है। मान लो आपको उन्होंने 20 दिया, तो आपने 1000 × 20 करना है, ठीक है, उसका जितना भी होगा उसको आपने डिवाइड कर देना है। टाइम आपको कैसे दिया होता है, उन्होंने उन्होंने आर्स में दिया होता है, 6 hours में देना है या 4 hours में देना है या 8 hours में देना है, उसको आपने क्या करना है, पहले तो आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। अगर आपको वो 6 hours बोलते हैं तो 360 minutes होते हैं टोटल, अगर आप उसको मिनट्स में कन्वर्ट करते हो। वहाँ पे आपको क्या करना है कि 1000 × 20 / 360, जितना भी उसका आंसर आएगा वही आपका ड्रॉप पर मिनट्स होगा। तो नेक्स्ट है ECG प्लेसमेंट। ECG लीड्स की प्लेसमेंट के बारे में भी वो पूछते हैं, तो 2 hospital में मुझे ECG प्लेसमेंट का क्वेश्चन आया था, तो उसमें क्या पूछते हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो V2 है उसकी लोकेशन कौन सी है। मुझे जैसे कि मैं अपना बताऊँ तो मुझे एक ऐसे क्वेश्चन आया था कि जो V2 है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी होती है, उसमें 4 options भी मिलेगी, तो चारों में से आपको एक सिलेक्ट करनी होती है। तो ECG प्लेसमेंट के ऊपर मुझे 2 questions आए थे, 2 hospital अलग अलग में, तो अगर आपने इसके ऊपर भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है ECG प्लेसमेंट की, बहुत ही सिंपल वे में मैंने सब प्लेसमेंट के बारे में बताया है, तो आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो एक बार आप जरूर चेकआउट कर लो, तो एक बार आपको ECG प्लेसमेंट का पता लग जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी उसके बाद भूलोगे कि कहाँ कहाँ पे प्लेसमेंट करनी है। तो ये चीज़ ज़रूर पढ़ के जानी है ECG प्लेसमेंट का। वो पूछते हैं V2 कहाँ पे लगती है, V4 की लोकेशन एग्जैक्ट कौन सी होती है, स्टर्नम की किस साइड पे लगती है, लेफ्ट या राइट किस साइड पे होती है, तो वो आपको ज़रूर पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो मेरी वीडियो एक ECG वाली है स्पेशल, मैंने ECG के ऊपर बनाई है, तो वो जरूर देख लेना। तो नेक्स्ट है यूरिन आउटपुट के ऊपर, तो यूरिन आउटपुट के ऊपर भी वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो क्वेश्चन मुझे कैसे आया था कि कितनी यूरिन आउटपुट होगी तो आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे, तो उसमें एक ऑप्शन दी हुई थी 10 ml, 30 ml या 60 ml या 100 ml, तो उसमें जो मैंने राइट करा था ऑब्वियसली मेरा तो राइट ही हुआ था, 30 ml मैंने टिक करा था। तो इसके ऊपर भी वो पूछते हैं आपसे कि कितनी यूरिन आउटपुट पे आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एंडोट्रेकियल ट्यूब का। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में वो आपसे पूछते हैं कि जो नॉर्मल अडल्ट फीमेल और मेल के लिए कौन सा साइज होता है, तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा। जैसे जो फीमेल है उन पे हम यूज़ करते हैं 7 और 7.5, और मेल के लिए हम प्रेफरेबल करते हैं 7.5 या 8 की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अभी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी उसके ऊपर, इंसुलिन के बारे में मुझे ये क्वेश्चन आया था। 2 hospital में मैंने ये क्वेश्चन भी देखा है, उन्होंने कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन के बारे में पूछा था। तो अभी रिसेंट मैंने ये लास्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाई थी, 5 complications जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी, उनमें से ही एक कॉम्प्लिकेशन जो वहाँ पे उन्होंने पूछी थी कि एक ही जगह पे आप बार बार इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हो तो उसके साथ कौन सी कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को होगी, तो वहाँ पे भी 4 options लिखी हुई थी, उन्होंने अलग अलग ऑप्शन दी थी। तो वहाँ पे लिपोडिस्ट्रॉफी का एक ऑप्शन दिया हुआ था, तो ऑब्वियसली इंसुलिन लिपोडिस्ट्रॉफी होती है उससे, तो ये क्वेश्चन भी उसमें आया था। तो अगर आपने इंसुलिन की वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हो। देन नॉर्मल जैसे आप वेंटिलेटर वाले पेशेंट की सक्शन करते हो, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सक्शन के बारे में वो पूछते हैं टाइम कितना होना चाहिए, कितने टाइम आपने सक्शन करके दोबारा से वेंटिलेटर कनेक्ट करना है, फिर सक्शन का प्रेशर कितना होना चाहिए ये भी पूछ सकते हैं, फिर ET कफ का जो प्रेशर है वो भी पूछ सकते हैं। ET कफ के प्रेशर को मेज़र करना होता है वो कितना, जैसे 20-30 में हम नॉर्मली ET कफ का प्रेशर रखते हैं, ऐसे ही कुछ प्रेशर्स के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं। फिर अगर आप ऑक्सीजन दे रहे हो पेशेंट को, ऑक्सीजन के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे एक हॉस्पिटल ने पूछा था कि अगर आप किसी पेशेंट को नेजल कैनुला से ऑक्सीजन दे रहे हो तो आप कितने तक ऑक्सीजन दे सकते हो, तो उसकी भी मल्टीपल आपको ऑप्शन दी होती है, तो उसमें आपने सेलेक्ट करना होता है। जैसे नॉर्मली हम 6 liters से ज़्यादा कभी भी नेजल कैनुला से ऑक्सीजन नहीं देते,
अगर पेशेंट को इससे भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है तो फिर आपको जो है फेस मास्क के साथ ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। अगर उससे भी ज़्यादा पेशेंट नहीं हो रहा है तो उसके लिए फिर हम रीब्रीदिंग मास्क जो है वो यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर भी एक वीडियो बनानी है मैंने, तो फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि ऑक्सीजन जो है वो मोस्टली यही क्वेश्चन पूछते हैं कि नेजल कैनुला के थ्रू कितनी ऑक्सीजन दे सकते हो। 6 लीटर से ज़्यादा हम नहीं कभी भी देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है ACLS और BLS के ऊपर। तो ACLS का टॉपिक भी एक लंबा टॉपिक है, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो इसमें मुझे क्या पूछा था, जो हम CPR पेशेंट का करते हैं जब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट होता है, तो हम CPR पेशेंट का करते हैं तो उसके बारे में पूछते हैं कि कितने मतलब CPR की रेशियो क्या होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे नॉर्मली 30 कंप्रेशर और 2 ब्रेथ होता है, 30:2 का होता है। फिर बच्चों का आपसे पूछ सकते हैं कि बच्चों में क्या रेशियो होती है, फिर पर मिनट में हमने कितने कंप्रेशन देने होते हैं। नई वाली गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हमने 100-120 कंप्रेशन जो है वो देने होते हैं एक मिनट में। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइनोट्रॉप के ऊपर। आइनोट्रॉप के ऊपर भी वो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि आपको कोई 4 मेडिसिन का नाम दिया होगा या 4 इंजेक्शन आपको ऐसे दिए, तो साथ में आप 4 ऑप्शन आपको देते हैं, तो उसमें से क्वेश्चन क्या होता है कि ऐसा कौन सा इंजेक्शन है जो आइनोट्रॉप की कैटेगरी में आता है। तो उसके लिए वो 4 ऑप्शन दे देते हैं, जैसे एनोर एड्रीनालिन हो गया, साथ में एमसेट का दे देंगे, फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट का दे देंगे, ऐसे 2-3 इंजेक्शन आपको दे देंगे। तो उससे उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो ऑब्वियसली जो नॉरएपिनेफ्राइन है वो हम कभी भी डायरेक्ट नहीं देते, वो हम हमेशा डाइल्यूशन के बाद बिल्कुल स्लो रेट पे इन्फ्यूज़न में देते हैं, तो इसलिए वो आइनोट्रॉप में आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नॉर्मल लैब वैल्यू की। हर कोई हॉस्पिटल 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछता है नॉर्मल लैब वैल्यू की, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स की नॉर्मल वैल्यू, सोडियम की नॉर्मल वैल्यू, पोटाशियम की नॉर्मल वैल्यू, फिर HB की नॉर्मल वैल्यू हो गई, मैग्नीशियम की नॉर्मल वैल्यू होगी। ये कुछ नॉर्मल वैल्यू होती है जो वो पूछते हैं, क्योंकि ऐसे वाले नॉर्मल वैल्यू वो पूछते हैं जिसके डिसबैलेंस होने के साथ पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है फेस करनी पड़ती है। तो फिर ABG का आपको पूछते हैं, ABG में नॉर्मल वैल्यू पूछ सकते हैं, pH नॉर्मल क्या होता है, PCO2 नॉर्मल क्या होती है, और बाइकार्ब नॉर्मल क्या होता है, तो उसके बारे में आपको पूछ सकते हैं। ABG के बारे में अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो उसकी भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पे विजिट करके ज़रूर देखना, आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ब्लड सैंपलिंग का भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मोस्टली कौन सी प्रेफरेबल जो वेन है जिसमें से हम ब्लड को विदड्रॉ करते हैं कोई भी सैंपल लेने के टाइम। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दी होती है, आपको मेटाकार्पल वेन का बता सकते हैं, सिफेलिक वेन, बेसिलिक वेन, ऐसे 3-4 वेन दी होगी, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है कि कौन सी वेन से हम ब्लड जो नॉर्मली ले सकते हैं। स्ट्रोक के ऊपर भी वो क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि एक हॉस्पिटल में गया था, उन्होंने लिखा था कि स्ट्रोक पॉसिबिलिटीज़ के कौन कौन से साइन होते हैं, जैसे 4 ऑप्शन दी होगी, आप जो आपकी लिम्स है उसकी वीकनेस होगी, जब पेशेंट को हेडेक होगी या चेस्ट पेन होगी, ऐसे 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता है जब भी पेशेंट को स्ट्रोक आता है तो पेशेंट की या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड उसकी जो वीकनेस हो जाती है, या अपर और लोअर लिम दोनों का भी वीकनेस हो सकता है। तो नेक्स्ट कल्चर जो हम लेते हैं, ब्लड कल्चर या यूरिन कल्चर, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, तो मोस्टली यूरिन कल्चर के बारे में पूछते हैं, ब्लड कल्चर का कम पूछते हैं। ये नहीं है पूछते नहीं है, पूछ सकते हैं, लेकिन जो मुझे मैंने देखा है ब्लड कल्चर यूरिन कल्चर का ही पूछते हैं। तो इंटरव्यू में भी एक में यूरिन कल्चर का उन्होंने पूछा था कि कैसे लेते हो, क्या प्रोटोकॉल होता है, तो वो अलग से आपको जब आप जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछेंगे कि 4 ऑप्शन दी होगी कि आप कैसे कल्चर लेते हो, यूरिन कल्चर कैसे लेते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन में ऐसे होगा कि आपको डिस्कनेक्ट करके यूरिन कल्चर बॉटल में यूरिन डालते हो, या आपको ऐसे होगा कि आप नीचे से जो उसका यूरिन बैग है उसको डिस्कनेक्ट करके वहाँ से डालते हो, या ऐसे होगा कि आप एल्कोहल स्वैब के साथ मतलब पाइप क्लीन करके डालते हो, या फिर उसका एक जो सही वाला प्रोटोकॉल लिखा होगा कि फर्स्ट आप उसको क्लैंप करते हो, फिर आप उसको बीटाडीन के साथ क्लीन करते हो, देन AHT के साथ क्लीन करते हो, देन आप 10 ml सिरिंज के साथ जो फॉलिस की हब होती है वहाँ से आप 45 degree के एंगल पे आप जो नीडल है प्रिक करते हो और फिर विड्रॉ करते हो, फिर डालते हो। तो ये वाला जो तरीका है वो सही है, जो दूसरे वाले वो गलत है। तो कभी भी आपसे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो कभी भी आपने ऐसे नहीं कहना है कि हम नीचे से ऐसे ओपन करेंगे और सीधा यूरिन डाल लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो वो आप जब आप ऐसे बोलोगे तो ऑब्वियसली बैड इंप्रेशन आपका पड़ेगा और आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो दोस्तों बाकी के क्वेश्चन और
हमारा जो रामबान तरीका, जो कोई भी इंटरव्यू क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगा, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट टू में। तो पार्ट टू में बहुत ही जल्दी लेके आ रहा हूँ, मे बी ये संडे को मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताजो मेरी आने वाली वीडियो आप कभी भी स्किप मत करो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।